हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस। स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट जनरल नॉलेज, चैप्टर 18। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यू चैप्टर इन जीके सब्जेक्ट। ओके, सो आवर चैप्टर्स नेम इज टाइम एंड क्लॉक। क्या नेम है? टाइम एंड क्लॉक। तो टाइम मतलब कि जो घड़ी आप वॉच रखते हो ना, वॉल वॉच रखते हो, जो घड़ी आती है वॉल में हम लगाते हैं, हाथ में भी पहनते हैं, तो उसमें हम टाइम कैसे दिखते हैं वो आज हम देखेंगे। ओके, एवरी क्लॉक यूजुअली हैज थ्री हैंड्स। तो जो घड़ी होती है उसके पास कितने हैंड्स होते हैं? थ्री, द आवर हैंड, द मिनट हैंड एंड द सेकेंड हैंड। कितने हैंड्स होते हैं? आवर हैंड मतलब कि एक घंटा, मिनट मतलब कि जो सेकेंड दर्शाता है, मिनट मतलब कि मिनट, तो फाइव मिनट्स, एक सेकेंड्स, दो सेकेंड्स, ऐसे आप बोलते हैं ना, ऐसे आपको 60 सेकेंड्स मतलब कि एक मिनट होती है, 60 मिनट्स मतलब कि एक आवर होता है। कितने होते हैं? जो 60 सेकेंड होती है तो एक मिनट होती है, और जो 60 मिनट्स होती है वो कितनी होती है? एक घंटा होता है। ओके, देर आर 12 नंबर्स। तो कितने नंबर से वहाँ पे? 12 नंबर से। ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक, तो क्लॉक के आगे, तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो उसमें कितने नंबर है? 12 तक है। ओके, 15 मिनट्स कितने का टाइम दर्शाती है? एक आवर। ओके, 13 मिनट्स 1.2 आवर, 45 मिनट्स 3 आवर। ओके, देर आर इंग्लिश नंबर इन मोस्ट ऑफ द क्लॉक्स। वी कैन टेल टाइम बाई यूजिंग द पोजिशंस ऑफ द आवर हैंड्स एंड मिनट हैंड्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे ये आवर हैंड्स इन टू एंड मिनट हैंड इज ऑन 12, इसे आपको समझना है। ओके, जो आगे हमने देखा, तो यहाँ पर है एक घंटे 15 मिनट्स में कितना होता है एक घंटे का? 4 घंटे मतलब कि 4 कलाक होते हैं। ओके, 15 मिनट में 13 मिनट्स में कितने? 2 आवर्स मतलब कि 2 घंटे, 45 मिनट्स में 4 आवर्स। ओके, तो यहाँ पे है द आवर हैंड्स इज ऑन 2 एंड मिनट हैंड। तो 2 के ऊपर कौन सा है? घंटे, जो कलाक दर्शाता है वो घंटा कहाँ पे है? 2 के ऊपर, छोटे वाला है ना, वो कलाक का टाइम दिखाता है, और ये मिनट हैंड है जो 12 के ऊपर है। वो मिनट हैंड इज ऑन 12, कहाँ पे है वो? 12 के ऊपर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 12 घुटने, जो क्या बोलते हैं, वंजा, 12 वंजा 5, तो कितनी होती है? 60 मिनट्स। कितनी होती है बच्चों? तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितनी मिनट हुई है? 12 वंजा 5, तो 60 मिनट्स। तो वहाँ पे कितने, आप 2 के ऊपर देखो, जब 60 मिनट्स होती है तो एक घंटा पूरा होता है, कितना? एक घंटा। यहाँ पे 3 के ऊपर ये एक घंटा है, ये छोटे वाला हैंड से, शॉर्ट हैंड क्या बोलते हैं उसको, आवर हैंड्स। तो यहाँ पे 12 के ऊपर है तो कितने बजे? 3 o'clock। तो आपको समझना है कि 12 के ऊपर मिनट हैंड्स है, और यहाँ पे 2 के ऊपर कौन सा है? आवर हैंड्स। तो कितने बजे? 2 बजे, इट्स टाइम इज 2 o'clock। ओके, अगर ये घंटे का जो हैंड है, आवर हैंड 3 के ऊपर है और मिनट हैंड 12 के ऊपर है, तो भी आपको समझना है कि यहाँ पे टाइम हुआ है 3 बजे। कितने? इट इज 3 o'clock। ओके, तो यहाँ पे कितने बजे है ये जो फर्स्ट वॉच है उसमें? इट इज टाइम 2 o'clock। ओके, और सेकंड पिक्चर में दिखेंगे आवर हैंड कहाँ पे है? 2 and 3 के बीच में, मिडल ऑफ 2 and 3, एंड मिनट हैंड इज ऑन 6। तो कहाँ पे? 6 के ऊपर वो मिनट हैंड है। तो यहाँ पे 6 वंजा 5 कितने होते हैं? 6 वंजा 5 कितने होते बच्चों? 30 मिनट्स। तो यहाँ पे 30 मिनट्स क्या दर्शाती है? 2 hours and 30 minutes इज 2:30। तो यहाँ पे कितना हुए है? 2 बजे है, तो 2 hours and 30 minutes हुई है। 2 बजने के बाद 2:30 बजे, कितने बोलते हैं हम? 2:30। तो 6 के ऊपर जब आता है तब 30 मिनट्स होती है, तो यहाँ पे हम 9:30 बजे, 3:30 बजे, 2:30 बजे ऐसे बोलते हैं ना,
तो यहाँ पे ये टाइम दर्शाता है 2 आवर्स हुआ है, 2 बजे है एंड उसमें 30 मिनट हुई है, ऐसे आप काम बोल सकते हो और 2:30 भी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कोई भी टाइम हो 2, 4 और 5 के बीच में ये आवर हैंड से और यहाँ पे 6 के ऊपर है तो भी आप बोलते हो 4:30 बजे, 3:30 बजे। मिनट हैंड ऑलवेज मिनट हैंड 6 के ऊपर होते हैं और घंटा कहीं पे भी हो 2-3 के बीच में, 12-1 के बीच में, तो कितने बजे है 12:30, 11:30, 10:30, आपको ये समझना है। ओके, आवर एंड इज बिटवीन 1 एंड 3, 1 एंड 2। तो आवर एंड किसके बीच में है, यहाँ पे 1 एंड 2 के बीच में है। तो मिनट हैंड कहाँ पे है, 3 के ऊपर, तो यहाँ पे 3 × 5 कितने होते हैं 15 मिनट्स, 3 × 5 15 होते हैं ना, तो यहाँ पे कितनी मिनट्स हुई है, 1 बजे के बाद 15 मिनट्स हुई है। तो यहाँ पे कितना टाइम दर्शाएगा, 1 आवर एंड 15 मिनट्स, मतलब कि 1:15, 1:15 बजा, कितना बजा 1:15। 3 के ऊपर मिनट हैंड है और 1-2 के बीच में क्या है आवर हैंड, तो कितने बजे बच्चों 1:15, उसको हम बोलते हैं 1:15, कितना बजा 1:15। ओके, तो आपको इंग्लिश में बोलना है 1:15 और 9:30 बजे, तो 2:30 और टाइम हुआ है कंप्लीट तो 2 o'clock, 12 o'clock, ऐसे आपको बोलना है। आवर हैंड इज बिटवीन 5 एंड 6, मिनट हैंड तो यहाँ पे है, देखो आप पिक्चर में आवर एंड कहाँ पे है 6 एंड 5 के बीच में, 5 एंड 6 के बीच में। ओके, तो मिनट हैंड कहाँ पे है 9 के ऊपर, तो मिनट हैंड इज ऑन 9, तो 9 × 5 कितने होते हैं 45 मिनट्स, तो यहाँ पे कितने बजे है 45 मिनट्स हुई है और 5 और 6 के बीच में है आवर हैंड। टाइम 5 hours and 45 minutes, मतलब कि 1:45 जो 9:15 है, 6:00 है, 7:00, 10:00, तो इसको क्या बोलते हैं 1:45, 1:10, ऐसे आपको बोल सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पेज में देखेंगे, नेक्स्ट पेज में है पिक्चर्स। तो यहाँ पे मिनट हैंड कहाँ पे है 1 के ऊपर और आवर हैंड 3 के ऊपर है। ओके, कहाँ पे है 3 के ऊपर, तो यहाँ पे आवर हैंड इज ऑन 3 और मिनट हैंड कहाँ पे है 1 के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे 1 × 5 कितने होंगे 5 मिनट्स, कितने होगी 5 मिनट्स, 3 hours and 5 minutes हुई। तो अभी 3 बजे उसमें कितने मिनट हुई 5 मिनट हुई, जो 12 के ऊपर होते हैं तो 3 बजे थे उसमें 3 बजने के बाद कितने मिनट हुई 5, तो यहाँ पे होगा 5 minutes past 3, 5 मिनट्स, 3 बजने में 5 मिनट्स हुई। ओके, सेकेंड पिक्चर्स में है 5 के ऊपर मिनट हैंड है एंड आवर हैंड इज बिटवीन 8 एंड 9। ओके, तो यहाँ पे 8 एंड 9 के बीच में आवर हैंड है और यहाँ पे मिनट हैंड है, तो यहाँ पे कितने बजे 5 × 5 कितना होगा 25 मिनट्स, तो 25 मिनट्स कितने हुई 25 मिनट्स। टाइम 8 hours and 25 minutes, तो कितने बजे 25 minutes past 8, तो 8 बजने में कितने मिनट हुई 25 मिनट्स। ओके, लास्ट पिक्चर में है यहाँ पे 4 एंड 5 के बीच में है, आवर हैंड इज बिटवीन 4 एंड 5, मिनट हैंड 8 के ऊपर है, तो मिनट हैंड इज ऑन 8 × 5 कितनी होती है 40 मिनट्स, कितनी होती है 40 मिनट्स। तो टाइम 4 hours and 40 minutes, तो 4 बजने में कितने मिनट्स हुई 40 मिनट्स, 40 minutes past 4, ऐसे आपको बोलना है 20 minutes to 5। ओके, तो यहाँ पे हमने टाइम देखा, तो अब देखेंगे एक्सरसाइज, सी द फॉलोइंग क्लॉक्स एंड राइट द टाइम अंडर ईच क्लॉक। तो आपको यहाँ पे क्लॉक को देखना है और नीचे क्या राइट करना है, आपको क्लॉक के अंडर टाइम राइट करना है। तो यहाँ पे कितने बजे है ऑलरेडी, यहाँ पे मिनट हैंड कहाँ पे है 12 के ऊपर और आवर हैंड 3 के ऊपर, तो कितने बजे 3 o'clock। ओके, ये परफेक्ट टाइम है। 7 एंड 8 के बीच में आवर हैंड से और यहाँ पे 3 के ऊपर मिनट हैंड से, तो यहाँ पे कितने बजे है 7:15, 7 hours 8:15 minutes, 7:15, कितने हुए 7:15,
सेवन, ओके। तो सवा पाँच बजे, कितने बजे? सवा पाँच। तो यहाँ पे है इलेवन और टेन के बीच में है आवर्स हैंड्स एंड मिनट हैंड्स, नाइन के ऊपर है तो कितने बजे? पौने ग्यारह। तो क्वार्टर टू इलेवन, कितने बजे? पौने ग्यारह, 45 मिनट्स हुई है ग्यारह बजे में, ओके। तो यहाँ पे हुए क्वार्टर टू इलेवन, ओके। नेक्स्ट है सेकेंड एक्सरसाइज, शो द टाइम इज सॉन बिलो इन द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे टाइम दिखाना है 14 बजे, तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है और ये जो पिक्चर है ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है और आप खुद को ही समझना है कि यहाँ पे कितना टाइम हुआ है। 7:45 मतलब कि क्वार्टर टू सेवन, ओके। क्या होगा? क्वार्टर टू सेवन मतलब कि 7:45, ओके। यहाँ पे 7:45 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितने बजे है? 2:30 है, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा है एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज देखा है। यहाँ पे 7:15 हुई है, 8:15 मतलब कि 7:15, ओके। तो यहाँ पे 7:15 क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है बच्चों? 7:15, ओके। तो आपको यहाँ पे ये सारा टाइम एक ही नहीं लेकिन 12 तक आपको ये लर्न करना है और आपको क्या करना है, घड़ी रख के हाथ में आपको समझना है कि ये कितना टाइम हुआ है। जैसे मैंने पढ़ाया आपको कि यहाँ पे 12 के ऊपर मिनट आवर होता है, मिनट हैंड्स होता है और यहाँ पे आवर हैंड्स होता है, तो कितने बजते हैं? 3 o'clock। ऐसे आपको जो मैंने एग्जाम्पल समझाया उसके हिसाब से आपको एक घड़ी लेके बैठना है और प्रैक्टिस करनी है और आपको मिनट काउंट करनी है। 8:05 40 मिनट्स में होती है तो कितने देर बाकी है, घंटे पे 15:25 मिनट्स हुई है तो कितने बजे, ऐसे आपको लर्न करना है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है जीके में, चैप्टर 18 टाइम एंड क्लॉक। तो आपको ये एक्टिविटी राइट करनी है घर पे और ये पिक्चर ड्रॉ करके भी आपको लर्न करना है, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस, स्टैंडर्ड 4th, सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, ओके। टुडेज आवर चैप्टर इज न्यू, चैप्टर्स नंबर है 16, चैप्टर्स नेम है करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो आपको ओनली यहाँ पे क्या करना है, वर्ड को चॉइस करना है और यहाँ पे आपको राइट करना है। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे हेडिंग। एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में से वर्ब को चूज करके यहाँ पे राइट करना है, ओके। तो फर्स्ट है व्हेन द थीप सो द पुलिसमैन ही स्टार्टेड रन, ही स्टार्टेड रन। तो क्या उसको रन क्या, ही स्टार्टेड रन, भागने लगा, ओके। तो यहाँ पे पास्ट टेंस के हिसाब से यहाँ पे रन आएगा। डिड यू पे द डॉक्टर्स बिल, तो यहाँ पे आएगा, ओके। थर्ड नंबर, द वाउंडेड मैन लेट ऑन द रोड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेट मतलब कि लेट जाना। ही केम इन ग्रेट्स मी मतलब कि मुझे मिला। माई फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स मी इन माई स्टडीज, तो हेल्प्स आएगा, ओके। डज योर फादर गो टू ऑफिस बाई बस, गो। डू यू वॉन्ट टू रीड दैट नॉवेल, ओके। ही हैज जस्ट फिनिश हिज वर्क। सी डिड नॉट ब्रेक द वेस वाश। डिड ही विजिट द टेम्पल यस्टरडे। एक्सरसाइज 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। करेक्ट वर्ड आपको राइट करना है। दोज हु वर्क हार्ड सक्सेस इन लाइफ। शी कांट स्पीक करेक्ट इंग्लिश। माई फादर वॉन्ट्स मी टू बिकम एन इंजीनियर। द गार्ड ब्लू द विसल्स दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ही वॉज नॉट क्लेवर एज दिस ब्रदर एज हिज ब्रदर। द फूड वॉज क्वाइट टेस्टी। ही विल पे डियर फॉर हिज मिस्टेक। ऑल फेल एक्सेप्ट हिम। तो यहाँ पे ये जो मैंने अभी रेड किया ब्लैंक, तो आपको सेम यहाँ पे ये ब्लैंक को देखना है कि कौन सा वर्ब आपको यहाँ पे चूज करके राइट करना है। फर्स्ट आपको सेंटेंस रीड करना है जो मैंने अभी पढ़ाया, आपको फर्स्ट समझना है कि यहाँ पे ये आंसर आएगा। आपको ऐसा लगता है आप खुद भी समझ के राइट कर सकते हो कि यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, ओके बच्चों। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 16
कंप्लीट हो रहा है, तो ये भी एक्टिविटी आपको घर पे करनी है एग्ज़ाम के लिए। तो ये चैप्टर भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, चैप्टर 16 करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स, तो उसको भी आपको तैयारी करनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।